दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो MLM क्यों कहां कैसे प्लान के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, जिसके अंदर मैंने चार भागों में RCM के प्लान को बताने के बारे में आपसे बात की थी। पहले पार्ट को हमेशा ऑडियंस के हिसाब से, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है, जहां पर आपकी ग्रूमिंग का महत्व होता है, आपके ड्रेस कोड का महत्व होता है, जहां पर यह भी महत्व होता है कि आप जो कस्टमर के बारे में यह जान लें कि वो भी किस जोन में है, वो बिजनेस क्लास है कि सर्विस क्लास है। जब आप उससे फेमिलियर हो जाएं, तभी आपको RCM के प्लान के बारे में जिक्र करना है। तो आइए दोस्तों, मैं पहले पार्ट को तो क्योंकि बदला जा सकता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपसे बात कर ली, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो है MLM मार्केटिंग ही क्यों जरूरी है अगर आपको बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है। तीसरा, कैलकुलेशन का प्लान कैसे होना चाहिए। और चौथा, RCM ही क्यों, जब दुनिया में तमाम तरह की नेटवर्क मार्केटिंग जिंदा है, चालू है, सब लोग अपनी कंपनियों को टॉप बताते हैं, तो फिर RCM में क्या ऐसी बात है कि आप RCM को ही ज्वाइन करें। तो आइए मैं सेकेंड पार्ट की तरफ चलता हूं। दोस्तों, हर आदमी पैसा कमाता है और हर आदमी पैसा कमाने के लिए अलग अलग काम करता है। कुछ लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं, डॉक्टर वकील बन जाते हैं, कुछ लोग अपना दिनचर्या चलाने के लिए पैसा कमाते हैं नौकरी के जरिए, और कुछ लोग बिजनेस करते हैं। दोस्तों, लेकिन आज हमें अमीर आदमी की गणित को समझना पड़ेगा। जब हम नौकरी करके, बिजनेस करके और किसी प्रोफेशन में जाकर पैसा कमाते हैं, तो ये सारा पैसा एक ही शर्त पे कमाया जाता है, वो है समय डालो और पैसा कमाओ। अगर आप 8 घंटे नौकरी करते हैं, तो आपका नियोक्ता आपकी कुशलता, आपकी डिग्रियों के अनुसार आपकी एक रेट फिक्स करता है, आपके 8 घंटे 10 घंटे की रेट फिक्स करता है, उसके आधार पर आपको सैलरी देती है। आपकी जो योग्यता है, आपकी जो कुशलता है, आपकी जो डिग्रियां हैं, उसके आधार पर वो पैसा आपको मिलता है। लेकिन यहां पर जब आप अकेले काम करते हैं, तो प्रकृति की एक देन है कि सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोई भी आदमी 24 घंटे में एक मिनट भी इजाफा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हर आदमी समय देकर ही पैसा कमा सकता है। अगर वो समय नहीं देगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा। एग्जाम्पल, 8 घंटे काम करोगे तो आप 1000 कमाते हैं। अगर आप पैसा कमाना ज्यादा चाहते हैं तो आप 16 घंटे काम कीजिए, 2000 कमा लीजिए। अगर आप और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप 24 घंटे काम कर लीजिए, 3000 कमा लीजिए। लेकिन एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप एक लिमिटेशन तक पहुंच जाएंगे, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में जो भी अमीर आदमी है, वो बहुत बड़ा अमीर क्यों बन जाते हैं? वो अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो लोगों के समय को अपने समय में डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी जी अगर अकेले पेट्रोल पंप खोलते और एक ही पेट्रोल पंप पर खुद बैठने का निर्णय लेते, तो उनकी इनकम एक लिमिटेशन वाली इनकम रहती। लेकिन मुकेश अंबानी ने क्या किया, 9500 लोगों को पार्टनर बनाया और उनको कहा कि अगर आपके पास जमीन और पैसा है तो मैं तुम्हें काम का जरिया देता हूं, जो भी पेट्रोल पंप पर इनकम हो उसका 80% तुम रख लेना, मुझे सिर्फ 20% दे देना। मुकेश अंबानी जी ने क्या किया कि हर पेट्रोल मालिक, पेट्रोल पंप का जो मालिक है, वो अगर पूरे दिन भर पेट्रोल पंप पर बैठेगा तो उसका 20% टाइम जिसका प्रॉफिट मुकेश अंबानी के पास जाने वाला है, इसका मतलब है कि मुकेश अंबानी को वो 20% टाइम दे चुके हैं। अब टोटल पेट्रोल पंप का 20% प्रॉफिट देखा जाए तो मुकेश अंबानी जी ने लगभग 9500 पेट्रोल पंप खोले और 9500 पेट्रोल पंप का 20% ले लिया, यानी लोग समय देते हैं और मुकेश अंबानी जी के पास इनकम आती है। दुनिया के हर बड़े बिजनेसमैन ने यही एक तरीका अपनाया कि लोगों के समय को अपने समय में इन्वॉल्व कर दो, और अपने समय में इन्वॉल्व कर देंगे तो आप बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है अमीर बनने का। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने के पास पैसा था और उन्होंने बड़ा बिजनेस से काम चालू कर दिया। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी के पास पैसा भी नहीं है लेकिन वो अमीर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है? आज के 20 साल पहले मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन किया RCM, और मैं उस समय नौकरी करता था। नौकरी करते करते मुझे जब मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान मिला और मैंने उसे देखा,
मैंने एज ए कैरियर आज के 20 साल पहले बिजनेस चालू किया और आज मेरी टीम में 1 करोड़ लोग हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, मैं अकेला चला था, मेरे पास 24 घंटे थे, मैंने लोगों को समय इन्वेस्ट किया, निवेश किया। आम आदमी समय खर्च करके ही पैसा कमाता है और हम समय निवेश करके पैसा कमाते हैं। एक आदमी को मैंने प्लान बताया, ये यूं समझ लीजिए आज मैं आपको जो प्लान बता रहा हूं, मैं आज आपको आधा घंटा प्लान बताऊंगा और आधा घंटा प्लान बताकर अगर आप इस बिजनेस को करने का निर्णय लेते हैं और मेरी डाउनलाइन में लेते हैं तो आधा घंटा जब भी आप अपने लिए काम करेंगे, एक घंटा जब भी आप अपने लिए काम करेंगे तो आपका समय मेरे समय में जुड़ जाएगा और मेरे पास टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा और टाइम इज इक्वल टू मनी। मेरे पास ज्यादा समय होगा तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। आज मेरी टीम में 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ आदमी एवरेज 1 मिनट भी आरसीएम में काम करे तो मेरे पास 1 करोड़ मिनट पर डे है। तो मैं वही गणित आज आपको समझाना चाहता हूं। इस बिजनेस में एक आम आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपने 24 घंटे को समय का इजाफा करे और पैसों के साथ साथ उसके पास खूब सारा समय हो। आज की तारीख में प्रॉब्लम यह है, जिनके पास पैसा खूब है उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं, और जिनके पास समय बहुत है उनके पास पैसा भी नहीं, और कुछ लोगों के पास अगर पैसा है तो लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है। आज वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आगे का बिजनेस, उनके बच्चों की काबिलियत, उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा। आज चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस कर ले, लेकिन उनके बच्चों में अगर काबिलियत नहीं होगी तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम क्या देखेंगे कि समय के साथ हम पैसा भी कमाते हैं और समय के साथ हम सिक्योरिटी भी कमाते हैं। तो आइए इस प्लान में हम थोड़ा आगे चलते हैं। कैसे कैलकुलेशन होती है, सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग में को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर अपना माल बनाता है और एक कंज्यूमर यानी कस्टमर अपना माल खरीदता है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जाती। इस माल को यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ मिडिल मैन होते हैं जो प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाते हैं। जैसे पहले विज्ञापन होता है, पब्लिसिटी होती है, फिर एजेंट होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं, देन रिटेलर से ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो ये सारे लोग कुछ न कुछ पैसा कमाते होंगे तभी ये समाज चलता है। 50 रुपए का आइटम यहां से निकलता है तो ये आइटम यहां पर आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ये 50 रुपए इन बीच के लोगों में चला जाते हैं। तो प्रश्न है कि ये ट्रेडिशनल मार्केट पूरी दुनिया में प्रचलित है तो नए सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी? नए सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो इस सिस्टम की पहली प्रॉब्लम है वो देखेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, लेकिन आप देखते हैं कि प्रोडक्ट का 50% भाग इन बीच के लोगों में जाता है जो क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, जो प्रोडक्ट को केवल आगे खिसकाने का काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आदमियों के पास ज्यादा इनकम नहीं जाती। दूसरी प्रॉब्लम थी कंज्यूमर को कि यहां कंपनी ओरिजिनल बनाना चाहती है, कंज्यूमर ओरिजिनल खरीदना चाहता है, लेकिन ये बीच के लोग अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम थी सरकार को, जब प्रोडक्ट डुप्लीकेट बनेगा तो निश्चित रूप से बिलिंग नहीं होगी, बिलिंग नहीं होगी तो टैक्सेस नहीं जाएंगे और सरकार को बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर माल बनाता है और सीधा कंज्यूमर को दे देता है। मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर, इसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। जब भी आप ऑनलाइन कंपनियों की बात करते हैं, कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है और ऑनलाइन ही सेल करती है, वो सारी डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रकार है उस प्रकार के अंदर एक प्रकार है जिसका नाम है MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि यही सिस्टम पे काम किया जाएगा, लेकिन यहां पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनी कंज्यूमर को काम देती है कि जो काम ये मिडिल मैन करते थे वही काम अगर आप करेंगे तो एक प्लान के मुताबिक जो पैसा 50% पैसा हम 20 के लोगों को देते थे वो पैसा हम अब कंज्यूमर को दे देंगे। तो भाई अब बात करते हैं आरसीएम कैसे काम करता है।
एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे ये एक कंपनी है। अब कंपनी यहां है और मैं हूं यहां पर। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और मैं इन कंपनी के प्रोडक्टों से पूरी तरह संतुष्ट हूं। प्रोडक्ट मुझे कम रेट में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल रहे हैं और उसके साथ मुझे उस प्रोडक्ट को यूज करने का फायदा भी हो रहा है। तो ये बात मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, आप हैं यहां पर और ये बात मैंने आपको बता दी। अगर आपको भी मेरी बात से तसल्ली हो जाती है, मुझे भी बात समझ में आती है और आप भी ये निर्णय लेते हैं कि ये काम मैं भी कर सकता हूं, तो यहां पर आपको भी कंपनी से ज्वाइन करना पड़ता है। जब इस कंपनी से आप ज्वाइन होते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी की ऐप पर जाकर आपको अपना बायोडाटा पूरा डालना पड़ता है, आपके आईडी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ, आपके बैंक का प्रूफ, ये सारे आपको अपलोड करने के बाद, जब ये अपलोड आप कर देते हैं अपनी पूरी डिटेल केवाईसी अपलोड कर देते हैं, तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलते ही आपको तीन अधिकार मिलते हैं। पहला, आरसीएम के जब भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पहला यूज करने का अधिकार, यूज करेंगे तो आपको हमेशा यूज करने का डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 9 रुपए है या 10 रुपए है तो आपको लगभग 10% का बेनिफिट आपको केवल यूज करने से होगा, इसमें आपको किसी भी मेंबर को बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा फायदा आपको होगा वो होगा रिटेल करने का अधिकार। अब तक आप जब रिटेल करते हैं तो आप कोई दुकान खोलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब आप जब भी ये प्रोडक्ट लेकर आएंगे, ऐसे लोग जो आपका बिजनेस नहीं कर रहे हैं और बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप जब भी ये प्रोडक्ट लोगों को सेल कर देंगे तो सेल करने पर जो प्रॉफिट होगा वो आपका रिटेल प्रॉफिट कहलाएगा। और तीसरा, आपको नेटवर्क बनाने का अधिकार, यानी आज के बाद जैसे आपको पता है वैसे आप लोगों को ये जानकारी देते हैं तो भी इसका फायदा आपको होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करके अपने तीन साथियों को ए, बी और सी को आपने ये बिजनेस बताया कि आपने अपने घर के लिए 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, ए ने अपने लिए 2,000 का प्रोडक्ट यूज किया, बी ने अपने लिए 1,000 बीवी का प्रोडक्ट लिया और सी ने 4,000 बीवी का प्रोडक्ट लिया, सब ने ये लिया, तो यहां पर आपकी टोटल सेल कितनी होगी? आपके ग्रुप की, यानी ये सारे लोगों की ग्रुप की टोटल सेल आप देखेंगे तो 2, 2 और 3, 5, 6, 6, 4, 10,000 आपकी टोटल सेल हुई 10,000। 10,000 को जब आप इस आरसीएम की स्लैम में देखेंगे जो 100 रुपए से लगाकर 4,999 तक 10% और नीचे जाते जाते ये 3,50,000 पर 32% हो जाती है। तो इस स्लैम में आप देखेंगे 10,000 की आपकी अगर टोटल सेल है ग्रुप की तो आप कितने परसेंट पे पहुंचे, तो आप प्लान देखकर पता चल जाएगा। इस स्लैब को आप देखिए तो आप पहुंच गए यहां पर 14% पर, 14% पर। 14% अगर 10,000 बीवी का निकाला जाए तो यहां पर आपको टोटल 1,400 यानी 1,400 रुपए का कमीशन मिलता है। लेकिन ये 1,400 रुपए सारे आप रख लेंगे तो ए बी सी क्यों काम करेंगे? यानी इस प्लान को साइंटिफिक प्लान कहा इसलिए जाता है, यहां पर ईच एंड एवरी आदमी जो भी इस बिजनेस में काम करता है उसको इनकम आती है। तो यहां पर आपके टोटल 1400 में से ए बी और सी के ग्रुप की इनकम को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे मैंने आपके परसेंटेज निकाले वैसे ए बी और सी की अगर हम निकालें तो कितने कितने परसेंट पर पहुंच गए, तो आपको सिंपल सा पता चलेगा कि 2000 पर ये 10% पर पहुंचे स्लिप के अनुसार, 1000 पर ये भी 10% पर पहुंचे और सी भी 4000 पर 10% पर ही पहुंचे। तो यहां पर ए बी सी का कमीशन कितना होगा? ए का 200 रुपए, बी का 100 रुपए, सी का 400 रुपए। यहां पर आप 1400 रुपए में से ये 700 रुपए माइनस कर लेंगे तो ये 700 रुपए आपका कमीशन कहलाएगा। अब यहां पर बारीकी समझें तो सिंपल सी बात है, आप 14% पर थे इसलिए
एक का भी 10-14 4%, यानी 2000 का भी 4% मिल गया, 1000 का भी 4% मिल गया, 4000 का भी 4% मिल गया, और ये 3000 क्योंकि पूरा आपने प्रोडक्ट किया तो ये 3000 का 14% आपको मिल गया। इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये ग्रुप आपके चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके तीन ग्रुप हैं ए बी सी। अभी मैंने आपको पहले महीने की कैलकुलेशन बताई, अब थोड़ा आगे बताता हूं कि जैसे ये काम करते हुए आपको एक साल से ज्यादा का समय हो गया, ए बी सी भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और नेटवर्क बढ़ाते बढ़ाते उनका भी काम चल रहा है। इन्होंने भी आगे ज्वाइन कराया किसी को, इसने भी आगे ज्वाइन कराया, इसने भी आगे ज्वाइन कराया, इसने भी इस तरह से आगे ज्वाइन कराया, और आपका इस तरह से नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। यूं मान लें आपके नेटवर्क में सैकड़ों आदमी हो गए हैं, और ये सारा नेटवर्क बन जाता है तो भी आपके तीन ही ग्रुप कहलाते हैं ए बी और सी। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक साल बाद किसी एक महीने में एक ग्रुप में ये सारे लोगों को मिलाकर टोटल सेल होती है 2,00,000 रुपए की। बी ग्रुप में टोटल सेल होती है 1,00,000 रुपए की। सी ग्रुप में टोटल सेल होती है 50,000 रुपए की। और आप अपने घर के लिए 5,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो आपके घर के यूज में आता है, थोड़ा बहुत अड़ोसी पड़ोसी को रिटेल कर देते हैं। अब यहां पर कैलकुलेशन को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपको कमीशन कैसे मिलेगा। अगर इस कैलकुलेशन को मैं समझाऊं तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। वो है यहां पर टोटल आपकी टोटल बिजनेस कितना हुआ, 2,350,000 और 3,55,000, 3,55,000 का आपका टोटल बिजनेस हुआ। और स्लैब में देख के बताइए, इस स्लैब में आप 32% पर पहुंच जाते हैं, और 32% पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो यहां पर आपका जो कमीशन होता है, आपका जो टोटल ग्रुप का कमीशन होता है 1,13,600 रुपए। 1,13,600 रुपए आपके टोटल ग्रुप का कमीशन होता है। अब यहां पर ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप को आपको माइनस करना पड़ेगा, इनके कमीशन को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो एक की सेल हुई 2,00,000 रुपए, 2,00,000 पर ये 26.5% पे पहुंचते हैं। बी की हुई 1,00,000 रुपए, 1,00,000 पर आप स्लेब के हिसाब से 21.5% पे पहुंचते हैं, और सी की सेल है 50,000 रुपए, 50,000 पर आप 19% पर पहुंचते हैं। तो यहां पर 2,00,000 का 26.5% यानी 53,000 ए ग्रुप के लोगों को मिलेगा, बी ग्रुप का 1,00,000 का 21.5% यानी 21,500 रुपए ये बी ग्रुप के लोगों को मिलेंगे, सी ग्रुप की टोटल सेल है 50,000, 50,000 का 19.5% 9,500 रुपए। अगर 1,13,600 जो पूरे ग्रुप की इनकम है, इसमें से ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप की इनकम को अगर आप माइनस कर देंगे तो यहां पर आपकी इनकम आ गई 29,600। अब आप देखते हैं कि आपने माल लिया था, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया था, और आपकी इनकम हो गई 29,600 रुपए। और ये 29,600 इनकम आपकी इसलिए आई क्योंकि यहां पर सबके डिफरेंस कमीशन आपको मिले हैं। आप 32% पर थे, आप 32% पर थे, और अगर आप 32% पे थे तो ये 26% पर, ये 21.5% पर और ये 19% पर, तो इन सबका डिफरेंस आपको मिल गया। ये मैंने बताई आपको डिफरेंस कमीशन की गणित, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका कमीशन बढ़ता जाए। तो अब बात करते हैं इस बिजनेस की एक बेहतरीन इनकम, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। जैसे एग्जांपल आप हैं यहां पर और आपके तीन ग्रुप हैं ए बी और सी। जैसा कि आप एग्जांपल देते हैं, रॉयल्टी पर पहुंचने के लिए किसी भी एक लेग में मिनिमम 3,50,000 का बिजनेस होना जरूरी है। 3,50,000 बीवी का बिजनेस होगा तो ही आप रॉयल्टी पहुंच सकते हैं, और रेस्ट ऑफ जितनी भी लेगें बचती है वहां पर आप टोटल मिलाकर 1,15,000 का बिजनेस कर लेते हैं तो इस बिजनेस में आप गोल्ड की पिन पर पहुंच जाते हैं। गोल्ड की रॉयल्टी आपको मिलती है जो 3% का बिजनेस होता है, जो डिफरेंस के आधार पर मिलती है बड़ी लेग में से। बी अगर आप बी और सी में मिलाकर
170,000 के बिजनेस को टोटल कर लेते हैं तो यहां पर आप स्टार गोल्ड बन जाते हैं और आपको 4% रॉयल्टी मिलती है। अगर एक लेग में 350 और बी सी लेग में मिलाकर आप 260,000 के बिजनेस पे पहुंच जाते हैं तो आपको मिलता है प्लेटिनियम पिन और आप 6% रॉयल्टी पर पहुंच जाते हैं। अगर बी और सी लेग में मिलाकर आप टोटल 350,000 का बिजनेस कर लेते हैं तो आप यहां पर स्टार प्लेटिनियम यानी 8% रॉयल्टी पर पहुंच जाते हैं और ये रॉयल्टी भी डिफरेंस के आधार पर मिलती है। मैंने यहां 350 का एग्जांपल दिया तो यहां पर 350 में से रॉयल्टी मिलेगी। अगर 350 की जगह यहां ज्यादा बिजनेस है और नीचे भी रॉयल्टी है तो जैसे हमने कैलकुलेशन की थी कमीशन की उसी तरह से डिफरेंस के आधार पर ये कमीशन होकर आपको रॉयल्टी इनकम मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस की सबसे बेहतरीन इनकम। हर आदमी का सपना होता है कि इस बिजनेस का मैं टेक्निकल लेक्चर बनूं। पर्ल स्टार पर्ल एमराल्ड स्टार एमराल्ड रूबी स्टार रूबी सफायर स्टार सफायर और डायमंड तक के लेवल स्टार डायमंड तक के लेवल होते हैं जहां पर इनकम 50,000 से लगाकर लाखों रुपए पर मंथ हो सकती है। स्काई द लिमिट। कितनी भी आप इनकम जितनी चाहें आपके अंदर जितना मादा है आपके अंदर जितनी ताकत उसकी इनकम को ले सकते हैं। टेक्निकल का सीधा सा तरीका है जब आपके नीचे लोग रॉयल्टी की पिनों को क्रॉस कर देते हैं तो आप इस बिजनेस में टेक्निकल पर चले जाते हैं। टेक्निकल पर जाने के लिए उसी तरह से कैलकुलेशन होती है डिफरेंस के आधार पर जहां पर 5% तक टेक्निकल मिलता है आपको और स्काई द लिमिट बहुत ज्यादा इनकम हो जाता है। तो मैंने टोटल कैलकुलेशन बताई 32% आपको डिफरेंस के आधार पर बोनस कमीशन मिलता है डिफरेंस बोनिशन बोनस कहते हैं इसको और 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल। अगर आप इनकी कैलकुलेशन करें तो यहां पर टोटल बीवी का 45% कमीशन कंपनी आपको वापस दे देती है। लेकिन प्रश्न अब यह है, प्रश्न ये क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में सभी के प्लान होते हैं सभी की इनकम होती है लेकिन सबसे ज्यादा समझने वाला विषय यह है कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो कंपनी का मैं प्लान बता रहा हूं उसी को आप क्यों करें। द कंपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो टोटल 7 क्राइटेरिया होते हैं। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो 7 क्राइटेरिया के आधार पर ही आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करने का डिसीजन लेना चाहिए। 90% लोग इस बिजनेस को सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे भाई पैसा हर काम में है। आप नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, आप बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, आप बहुत सारी अपनी कंपनी की ब्रांच खोल देंगे तो पैसा आएगा, पैसा हर बिजनेस में आता है। लेकिन हम इस बिजनेस में समय कमाते हैं, समय का इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपकी कंपनी का सिलेक्शन गलत हो गया, आपने 3 साल तक एक कंपनी में काम किया और 3 साल बाद कंपनी ही नहीं रही या कंपनी बंद हो गई तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए का भी नुकसान हो जाए तो पैसा तो वापस आप कमा पाएंगे लेकिन कंपनी बंद हो गई और 3 साल अगर आपने उसमें डाल दिए तो उस समय को वापस लाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर सिलेक्शन करने में कोई चीज को ध्यान देना है तो पहला नियम है कंपनी प्रोफाइल को आप चेक करिए क्योंकि आप यहां पर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज समय दे रहे हैं और हर आदमी के जीवन में समय लिमिटेड है। इसी समय में उसे टाइम मनी और सिक्योरिटी सब एक साथ कमानी है। तो कंपनी सिलेक्शन में सबसे पहले समझने वाली चीज है वो है जब भी आप किसी कंपनी का सिलेक्शन करें तो पहला सिलेक्शन का काम है कंपनी की प्रोफाइल आप देखें। अगर कंपनी की प्रोफाइल आपने ढंग से नहीं देखी है तो प्रोफाइल से क्या पता चलता है। देखिए पुराने जमाने में आप देखते थे कि जब हम लड़की या लड़का शादी के लिए पसंद करने जाते थे तो हमारे जितने भी पूर्वज थे या हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो कम आपके फैमिली का जिससे शादी करने जा रहे हैं उसकी फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड से यह पता चल जाता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है और कंपनी किस उद्देश्य के साथ और किस मजबूती के साथ खड़ी है। तो आरसीएम बिजनेस के बारे में मैं बात करूंगा, प्रोफाइल की बात करूंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आरसीएम बिजनेस भिलवाड़ा में चालू हुई थी एक छोटे से ऑफिस से और आज कंपनी के पास 17 लाख स्क्वायर फीट का तो केवल आरसीएम वर्ड है। जी हां, और ये किराए का नहीं, खुद का ऑन। हिंदुस्तान में 130 से ज्यादा डिपो हैं, 130, और 130 डिपो में से लगभग 100 से ज्यादा डिपो की अगर बात करें तो कंपनी के ऑन हैं। दोस्तों जिन कंपनियों को आज आना और कल जाना है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो किराए की जगह पर सामान रखती है, किराए की जगह पर ऑफिस खोलती है, रातों रात कंपनी बंद हो जाती है हमें पता चलता नहीं।
17 लाख स्क्वायर फीट पर ऑफिस, 130 से ज्यादा डिपो, और कंपनी के डिलीवरी सेंटर की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में 8000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं और रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कंपनी इस साल 130 वंडर वर्ल्ड खोलने जा रही है, और मजे की बात है 130 वंडर वर्ल्ड में 30 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं जहां कंपनी के ऑन शोरूम हैं, जहां पर 2000, 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट के शोरूम होते हैं, और वहां पर मॉल की तरह जब आप सुपरमार्केट पे सामान खरीदते हैं वैसे पूरे प्रोडक्ट आपको उस एक जगह पर अवेलेबल होते हैं, और ऐसे वंडर वर्ल्ड पूरे हिंदुस्तान में खुलना चालू हो गए हैं। प्रोफाइल में अगर आप और देखेंगे तो कंपनी ने शुरुआत की थी भीलवाड़ा से, और आज हिंदुस्तान में एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है, और एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहां पर आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर न मिले। हिंदुस्तान के हर कोने से अचीवर आपको मिलेंगे, और कंपनी ने आज की तारीख में अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट खुद के ओन बनाना चालू किया है। आपको आश्चर्य होगा दुनिया में मैक्सिमम मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जो है कभी अपनी ओन खुद की फैक्ट्री नहीं रखती, और जब ओन खुद की फैक्ट्री नहीं रखती तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अपना मार्जिन लोगों को ट्रांसफर करना पड़ता है। और आरसीएम ने शुरू से ही ये पॉलिसी बनाई, जो जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उसके कारखाने कंपनी ने खुद डाले, और आज हिंदुस्तान के हर जगह पर, मैक्सिमम जगह पर आरसीएम के खुद की फैक्ट्रियां हैं। भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, सिलवासा के अंदर है, अगर आप देखेंगे तो उत्तरांचल में है, आप देखेंगे कि सिक्किम के अंदर है, आसाम के अंदर है, न जाने कितनी जगह पर आरसीएम के खुद के प्लांट हैं। और मजे की बात है खुद के प्लांट होने की वजह से रेट को और क्वालिटी को कंपनी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाती है। ये है आरसीएम की प्रोफाइल, एक कंपनी जो 1977 में चालू हुई थी, 2000 में जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग में कदम रखा, और आज 20 साल में ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में दूसरे नंबर का जो पॉइंट आता है वो दूसरे नंबर का पॉइंट है प्लान। अब आपको जब प्रोफाइल चेक कर लेते हैं तो आपको देखना चाहिए प्लान किस तरह का है। तीन तरह के प्लान मल्टी लेवल मार्केटिंग के होते हैं। पहला वो होता है इनकम ओरिएंटेड प्लान, जहां पर केवल इनकम की बात की जाती है। दूसरा होता है लीडर ओरिएंटेड प्लान, और तीसरा होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लान। इनकम ओरिएंटेड प्लान में जब भी कोई कंपनी किसी भी व्यक्ति को प्लान बताती है तो वहां पर कभी वो प्रोडक्ट की ज्यादा बात नहीं करती, कभी वो सिक्योरिटी की ज्यादा बात नहीं करती, वो हर जगह बात करती है सिर्फ पैसा 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 पैसा। वो भिड़ते ही बात करेगी कि आप एक आदमी को ज्वाइन कराएंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, आप इतने आदमियों का नेटवर्क बना देंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, आपको हाउस फंड आ जाएगा, आपको कार फंड आ जाएगा, फंड फंड फंड, इतने ज्यादा फंड दिखाएंगे कि वहां पर प्रोडक्ट साइड में रह जाएगा, सिक्योरिटी साइड में रह जाएगी, और आदमी हाईलाइटेड केवल पैसे के ऊपर हो जाएगा, और वहां पर सिलेक्शन हमेशा गलत हो जाता है। सीधा सा है, जो आदमी ज्यादा पैसा बता रहा है तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य है वो कंपनी भी ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, इसलिए आपको ज्यादा पैसा वहां पर बताएगी। वहां पर प्रोडक्ट केवल रखने के लिए, केवल दिखाने के लिए होते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट में उसी सेम कंटेंट का प्रोडक्ट जो मार्केट में 100 रुपए में मिलता है, वो कंपनियां उसी प्रोडक्ट को 200 रुपए में लेकर आती है और उस पैसे को बांट देती है। तो बेसिकली ये बिजनेसमैन बिजनेस नहीं है, इसे टोपी पहनाना कहते हैं। आपने कंज्यूमर से ही पैसा लिया और कुछ कंज्यूमर को दे दिया, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो सकता, ये एथिकल बिजनेस नहीं हो सकता। दूसरा है लीडर बेस। लीडर बेस कंपनियां क्या होती है, बेसिकली कंपनियों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो कंपनियां ठीक ठाक कंपनियां होती है, लेकिन नए प्लेयर होते हैं जब वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हैं तो वो ये समझ नहीं पाते कि इसका सिद्धांत धीरे धीरे बढ़ने का ही है। वो तेज गति से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीडर को हायर करना चालू कर देती है। जो किसी एक कंपनी में लीडर काम कर रहा है उसे थोड़ा लोभ देती है और वो अपनी कंपनी में उस लीडर को मिलाना चाहती है ताकि उसका बिजनेस तेज गति से बढ़ जाए। और ऐसे व्यक्ति, ऐसी कंपनियां जब बड़े दूसरे लीडर को अपनी कंपनी में शामिल करती है तो अपनी कंपनी में शामिल करने के बाद उन कंपनियों में लीडर का प्रभुत्व हो जाता है। और मेरे भाई, कंपनी
की सोच अलग तरह की होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की सोच अलग तरह की होती है। अगर कंपनी चलाने में डिस्ट्रीब्यूटर की या लीडर की सोच लगी तो उस कंपनी का खत्म होना एकदम तय है। इसलिए दूसरे तरह की कंपनियों से सावधान हो जाए कि वो कंपनी ऐसी तो नहीं है जो लीडर की खरीद प्रो कर रही है। और तीसरा वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लान। यहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान में भी है, पूरे वर्ल्ड में भी है, वो ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होगी कि आपको इतने मेंबर बनाने से इतनी इनकम आएगी। इनकम उनकी आती है, उनके भी डायमंड है, उनके भी रॉयल टीचर है, लाखों रुपए की इनकम आती है, वो भी अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, लेकिन वो हमेशा बात करेंगे प्रोडक्ट की, वो हमेशा बात करेंगे क्वालिटी की, वो बात करेंगे हमेशा रेट की। और मजे की बात है कि जब प्रोडक्ट के कोई दीवाने हो जाते हैं तो मेरे भाई लीडर छोड़ के भी चला जाता है तो डाउनलाइन काम करती है। मेरी डाउनलाइन में मैं सैकड़ों एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी टीम में कुछ लोग ज्वाइन हुए, अच्छे लीडर बने, फिर उनको ये दूसरे नंबर की लीडर ओरिएंटेड कंपनियों ने उन्हें परचेज किया और वो दूसरी जगह चले गए और उन्होंने सोचा कि मैं अपने पूरे नेटवर्क को उस कंपनी में ले जाऊंगा। लेकिन मजे की बात है कि वो चले गए लेकिन उनके लोग उनके साथ नहीं गए, क्योंकि वो आरसीएम के प्रोडक्ट के दीवाने थे और उन्होंने कहा भाई हमें तो यहीं रहना है, आपको जहां जाना चाहिए। और जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है, जो वास्तव में ओरिजिनल सिक्योरिटी सिस्टम प्रदान करती है, लोग बाग उस प्रोडक्ट के दीवाने होना चालू हो जाते हैं। कंपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया में तीसरे नंबर का प्रोडक्ट आता है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट आता है वो है कस्टमर कैटेगरी। कस्टमर कैटेगरी क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब भी कोई कंपनी खुलती है तो अपने कस्टमर की कैटेगरी को पहले डिसाइड कर लेती है। कुछ कंपनियां जो है वो नहीं चाहती कि हमारे प्रोडक्ट लोअर क्लास में जाए, मिडिल क्लास में जाए। वो प्रोडक्ट अच्छे रखते हैं लेकिन उनकी रेट बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि उन्होंने कैटेगरी शिफ्ट की है कि हमें अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास लोग ही चाहिए। कुछ कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी मिडिल क्लास को ओरिएंटेड करती है, वो हमेशा मिडिल क्लास जो प्रोडक्ट जिस रेट में खरीदते हैं उसको हाईलाइटेड करती है। और कुछ कंपनियां होती है जो लोअर क्लास लेवल के लोगों के लिए होती है। लेकिन मेरे भाई आरसीएम बिजनेस पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने एक रुपए का प्रोडक्ट भी बनाया, शैम्पू का पाउच, ऑयल का पाउच, एक रुपए का प्रोडक्ट भी है और आरसीएम में हजारों रुपए के भी प्रोडक्ट है। यानी पूरी दुनिया में आरसीएम ही मात्र ऐसी कंपनी है जिसने एक रुपए से लगकर हजारों रुपए तक के प्रोडक्ट चुने। यानी गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी सबके लिए है, यानी इस बिजनेस का स्कोप अनलिमिटेड है। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर आप बात करें तो दुनिया की सारी कंपनियां जब कंपनी चालू होती है तो वो डिसाइड करती है कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। कुछ कंपनियां एफएमसीजी पे काम करती है, कुछ कंपनियां हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे काम करती है, कुछ कंपनियां केवल न्यूट्रिशन पर काम करती है, कुछ कंपनियां केवल कॉस्मेटिक पे काम करती है, कुछ कंपनियां स्पेशल बर्तन बनाने की चीजों पर काम करती है, होम यूटेंसिल्स उसके ऊपर काम करती है, कुछ कंपनियां स्टेशनरी पे काम करती है, कुछ कंपनियां एजुकेशन पर काम करती है, कुछ कंपनियां सर्विसेज सेक्टर पर काम करती है और कुछ कंपनियां जो है वो पर्टिकुलर एजुकेशन के फील्ड पर काम करती है। यानी हर कंपनी अलग अलग कैटेगरी पर काम करती है। लेकिन अगेन पूरी दुनिया में आरसीएम ही एक ऐसी मात्र कंपनी है जो हर कैटेगरी पर एक साथ काम करती है। इसके कॉस्मेटिक भी आते हैं, इसके एफएमसीजी भी आते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी आते हैं, न्यूट्रिशन भी आते हैं, यानी तमाम जो कैटेगरी है कपड़ों से लगाकर जूते से, गुड मॉर्निंग से लगाकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट आरसीएम के पास मिलेंगे। पांचवें नंबर का पॉइंट है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की रेट। प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट, प्रोडक्ट की क्वालिटी और अगर रेट की बात करें तो दुनिया की सारी अगर कंपनियों की, अदर कंपनियों की मैं बात करूं, सभी कंपनियां नहीं कह सकते, कुछ कंपनियां ऐसी है जहां पर रेट तय रेट से ज्यादा होती है। मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसी कंटेंट के आप दूसरे प्रोडक्टों को आप सेलेक्ट करेंगे तो सेम कंटेंट होते हुए भी उनकी रेट ज्यादा होती है। और ज्यादा रेट होकर ज्यादा कमीशन देना, मैंने पहले भी कहा कि ये बिजनेस नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं
जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में लाने की किसी की ताकत नहीं है। जैसे आरसीएम बिजनेस का एक नमक आता है ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट, और मजे की बात है उसकी रेट मात्र 16-17-18 रुपए हैं, और 16-17-18 रुपए होने के बाद भी आप क्या देखते हैं उसके बिजनेस वॉल्यूम का 45% पैसा वापस कंज्यूमर को पास जा सकता है। इससे यह पता चल सकता है इस कंपनी की सोच क्या है। यहां पर वो नमक लाकर उसकी नमक की रेट 25 रुपए भी रख सकते थे, लेकिन रेट रखी 16 रुपए, और मजे की बात है 16 रुपए का 45% बीबी का हमारे पास मिले। 1 रुपए का प्रोडक्ट है आरसीएम बिजनेस के पास, 9 रुपए का नाने का साबुन है आरसीएम बिजनेस के पास, और मजे की बात है 9 रुपए का नमकीन का पैकेट, 9 रुपए में बिस्किट का पैकेट आरसीएम में है। आरसीएम बिजनेस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में आने के बाद पूरी कैटेगरी को बदल दिया, ऐसे प्रोडक्ट को मल्टी लेवल मार्केटिंग में शामिल किया, जिसकी वजह से आज दुनिया में कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट को लाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता और कंपनी 45% वापस देती है। यानी प्रोडक्ट की सेम क्वालिटी और वही क्वालिटी को कम रेट में देना, यह तभी पॉसिबल होता है जब कंपनी अपने खुद ऑन मैन्युफैक्चरिंग करे, और यही आरसीएम की ताकत है। और सबसे बड़ा फायदा यह होता है जब नमक, आटा, हल्दी, दाल जैसे प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल जैसे प्रोडक्ट होते हैं, ये एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, दुनिया की सारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ती है। इसमें ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें ज्यादा आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और मजे की बात है आपको इजी बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, जहां पर आप ज्यादा मेहनत नहीं करते फिर भी बीवी मिल जाता है। मेहनत करने के अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन जहां पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बीवी के रूप में ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिसमें आपको आगे और बड़े लेवल पर पहुंचने में आसानी होती है। एक तरह से एक बोनस के रूप में आपको ये बीवी मिलता है जहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। छठे नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। आपके बिजनेस में कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, जो किसी दूसरी कंपनियों में मौजूद नहीं है? वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट क्या है? जैसे आरसीएम बिजनेस का अगर एक प्रोडक्ट आप देखेंगे तो दुनिया में किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग पे आज तक वो प्रोडक्ट नहीं है, आने वाले समय में क्या होगा मुझे पता नहीं है, वेजिटेरियन बाइट्स। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज जितनी भी बीमारियां आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जानवर के माध्यम से आ रही है, और आप देख रहे हैं कि ये त्रासदी है, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी बीमारी का एक नतीजा है कोरोना, ये भी किसी एक जीव में से निकला हुआ वायरस है। तो पूरी दुनिया में आने वाले समय में नॉनवेज को खाना लोग बाग प्रिपेयर नहीं करेंगे। नॉनवेज को लोग बाग क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए खाते हैं, प्रोटीन के लिए खाते हैं, अच्छे सेहतमंद होने के लिए खाते हैं, लेकिन मेरी बात मेरे भाइयों आज की तारीख में नॉनवेज वो बात नहीं रही है। आरसीएम बिजनेस ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट क्या था? वो था वेजिटेरियन मीट, जिसका नाम है वेजिटेरियन बाइट्स। वो प्रोडक्ट को आप खाएंगे, वो प्रोडक्ट को आप लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, उसका टेक्सचर इस तरह से बनता है, अमेरिकन कंपनियों के सपोर्ट से वो प्रोडक्ट बना है जिसकी उदयपुर राजस्थान में फैक्ट्री है। वो प्रोडक्ट ऐसा बनता है कि अगर किसी आदमी को पता नहीं है कि ये क्या खिलाया जा रहा है तो वो 100% उसे नॉनवेज ही कहेगा। उसका टेक्सचर ऐसा है, वो दिखता ऐसा है, उसका टेस्ट भी ऐसा है, लेकिन वो प्रोडक्ट है 100% प्योर वेजिटेरियन। तो आपको क्या मिल गया? टेस्ट भी वो मिल गया, प्रोटीन भी नॉनवेज से ज्यादा उसके अंदर है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी नॉनवेज से ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है जो नॉनवेज में बहुत कम मात्रा या नहीं मात्रा में होता है उसे कहते हैं फाइबर, जिसका आपका डाइजेशन खराब हो जाता है फाइबर नहीं होने की वजह से, लेकिन उस प्रोडक्ट में फाइबर भी है। तो ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो किसी के पास नहीं है। आरसीएम बिजनेस का एक हेल्थ गार्ड ऑयल आता है जिसका नाम राइस ब्रांड ऑयल है। राइस ब्रांड ऑयल हेल्थ गार्ड ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल में 14,000 ppm यानी 1400 ओरिजिनल का हेल्थ गार्ड ऑयल, और उसके अंदर फिजिकल रिफाइंड किया हुआ हेल्थ गार्ड ऑयल, और उसकी रेट आप देख सकते हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिसको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की श्रेणी में जाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन भी आता है आरसीएम बिजनेस के, तो न्यूट्रिशन भी मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो क्लिनिकल अप्रूवन प्रोडक्ट है, जो दुनिया की अब तक तो कोई भी ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है जो क्लिनिकल अप्रूवन करा के किसी प्रोडक्ट को लेकर आए। ऐसे राइस ब्रान ऑयल और आटे के बिस्किट हैं जो पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे कई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है आरसीएम बिजनेस के पास जो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है सातवें नंबर का, वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो पैसा कमाना तो दुनिया में बहुत सारे लोग सिखा देंगे,
लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा आ जाएगा उसके बाद जीवन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई, पैसे आने के बाद लोगों के जीवन को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। जैसे एग्जाम्पल, एक आदमी के पास खूब सारा पैसा आया और उसने गलत आदत उसको लग गई, उसने दारू पीना चालू कर दिया। तो पैसे से सब कुछ ठीक होगा, ये आपकी गलत फहमी है। पैसे से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर पैसों के साथ साथ पैरेलल उसे एजुकेशन नहीं दी गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सिखाया गया, तो फिर वो बहुत बड़ा आदमी नहीं बनने वाला। तो एजुकेशन सिस्टम में क्या काम करेंगे, आरसीएम मैनेजमेंट, जैसे कंपनी उसके साथ पैरेलल एक संस्था चलती है, जो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो स्टार रूबी एंड अबव हैं, वो यूएस के सिस्टम में आ जाते हैं और यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो है उन सारे लोगों की केयर करता है। वो सिस्टम सब लोगों को बांध कर रखता है, मीटिंग सेमिनारों का आयोजन कराता है, बड़े बड़े सेलिब्रेशन का आयोजन कराता है, DTW उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, सेमिनारों का आयोजन होता है, ताकि आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पूरा सपोर्ट मिले। और सपोर्ट मिलने के साथ साथ आपको बहुत फायदे ये होते हैं कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास वहां पर सुनने को मिलती है, मनी मैनेजमेंट आप सीखते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट आप सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, उस लेवल के हिसाब से बेसिक, कोर, कॉर्डिनल के बारे में आप जानकारी लेते हैं। और जब एजुकेशन सिस्टम मस्ट होता है, बड़ा होता है, तभी आपको लीडरशिप बड़ी मिलती है। इसलिए जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा, लोग बाग रिलेशनशिप पे बात करेंगे, अपलाइन क्या होती है, डाउनलाइन क्या होती है, क्रॉस लेग के साथ क्या मर्यादा होती है, क्रॉस लेग की क्या लिमिटेशन होती है, अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। जब आप ऐसे एजुकेशन के साथ किसी आदमी को पैसा कमाना सिखाएंगे, तो आने वाले समय में वो देश का भविष्य बनेगा और देश का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना वायरस की वजह से आज छुट्टी है, भिलोड़ा में लॉकडाउन है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो प्रिपेयर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।